के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होता है जो लोग अभी सऊदी अरब से कोई भी सफर करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब से अभी सफर करना चाहते हो तो यह वीडियो जरूर देखिए। इसके साथ अगर आप छुट्टी पर गए हो और सऊदी अरब में आना चाहते हो या कुछ टाइम बिता कराना चाहते हो तो आपको कब सऊदी अरब में एंट्री करना चाहिए, इसके साथ और भी फ्लाइट को लेकर कुछ नई अपडेट है। मतलब अगर आप अभी सऊदी अरब का किसी भी तरीके का सफर करते हो तो यह वीडियो जरूर अभी पूरा का पूरा देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप अभी सऊदी अरब से छुट्टी पर जा चुके हो और अभी अपने देश में हो और अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको अपने देश में रुकना चाहिए या सऊदी अरब में अभी एंट्री करना चाहिए, क्योंकि ओमिक्रोन कोरोना वायरस से जिसको बोलते हैं डेल्टा वायरस बोलते हैं वो काफी तेजी से फैल रहा है। हम आपको बता दें कि डेल्टा वायरस फैलता कम है लेकिन उसमें दिक्कत ज्यादा है, मतलब जो यहां पर एक तरह से इफेक्टिव सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, उसको ज्यादा से ज्यादा कम करता है, लेकिन जो ओमिक्रोन है फैलता बहुत तेजी से है। तो यहां पर जो डेल्टा वायरस है उसमें मृत्यु भी देखने को मिली है लेकिन सबसे कम जो ओमिक्रोन है उसमें मृत्यु देखने को मिली है। तो अगर आप अभी छुट्टी पर जा चुके हो तो आपको जल्दी अपना सफर करना चाहिए, लेकिन आप अभी अगर सफर किए हो तो 10-15 दिन बाद या एक महीने बाद ही अपना सफर करें, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा तो भी आप एंट्री कर पाएंगे। इसके लिए आप जो है परेशान मत होइए, लेकिन यह उम्मीद की जा सकती है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो फ्लाइट के रेट भी बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक बात और है कि आपको अभी सफर करना चाहिए सऊदी अरबिया का, तो आपको अगर जरूरी है तो ही सफर करें, क्योंकि सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहले ही अपडेट किया गया है कि अगर आपको जरूरी है तो ही अपना सफर करें, क्योंकि सऊदी में अभी जल्द लॉकडाउन भी लगने की उम्मीद है। कई कंट्रियों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, इसी तरीके से कई जगहों में आज और आजकल लॉकडाउन लगा दिए जा रहे हैं।